हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए स्वप्न भूमि में। अब प्रोजेक्ट बाय ग्रीन ग्रुप, ये वेसु एरिया में लोकेटेड है, राजन सिंफोनिया के सामने। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है ट्रायम ग्रुप का कासा, और हमारे प्रोजेक्ट के जस्ट सामने एक संगीनी ग्रुप का भी प्रोजेक्ट आ रहा है। सूरत के सभी टॉप बिल्डर्स ये एरिया में अभी डेवलप कर रहे हैं, और डायमंड बुर्ज के काफी नजदीक है ये। यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के राइट हैंड साइड पर, यहाँ पर 2.5 किलोमीटर की दूरी पर डायमंड बुर्ज है, और बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। और सूरत एयरपोर्ट यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा 80 फीट का रोड है। आइए मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स की बात करें तो स्वप्नभूमि कम्प्लीटली 3 BHK का एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पर 1962 स्क्वायर फीट एंड 2152 स्क्वायर फीट में 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है, और यहाँ पर टोटल 8 टावर्स है और सभी 13 माले की बिल्डिंग है। और सेंटर में सारी एमिनिटीज आएगी, जैसे कि स्विमिंग पूल हो गया, उसके अलावा यूज लश ग्रीन गार्डन एरिया हो गया। सोसाइटी का जो एंट्री साइड है वहाँ पर आपका जैन टेम्पल और शिव टेम्पल आएगा। उसके अलावा यहाँ पे रोमन स्टाइल सिटिंग एरिया भी पूरा डेवलप किया हुआ है इन्होंने। स्टीम सोना जकूजी, सारी जो भी लग्जरियस एमिनिटीज होती है वो सारी एमिनिटीज आपको ये प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पर डबल बेसमेंट कार पार्किंग है, और कार पार्किंग भी आपको प्रॉपर अलॉटेड रहेगी। यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन का स्टेटस अभी देख सकते हैं। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो गया है, पूरा 13 फ्लोर्स कंप्लीट हो गया है, और बिल्डिंग का एलिवेशन भी स्टार्ट हो गया है। इसका एलिवेशन बहुत ही सुपर्ब और शानदार एलिवेशन इसका बनेगा। और यहाँ पर आप काम देख सकते हैं, फुल स्विंग में चालू है, सारे लेबर्स अभी काम कर रहे हैं, जल्दी इसका पोजेशन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है, रेड ब्रिक से पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है, और माइवन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको कॉलम की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छे देखने को मिलेगी यहाँ पे। अभी हम ये प्रोजेक्ट के पैसेज एरिया में हैं, आप देख सकते हैं इसका पैसेज। एक फ्लोर पर 4 फ्लैट्स है, एक फ्लैट यहाँ पे है, एक फ्लैट आपका इस साइड पर है जो कि सैम्पल फ्लैट है, क्योंकि आज अपन चेकआउट करेंगे। एक फ्लैट यहाँ पर है और एक फ्लैट यहाँ पर है, टोटल 4 फ्लैट्स है, और चारों फ्लैट्स आप देख सकते हैं अलग अलग कोने में है, बीच में कॉमन वॉल नहीं है, जिससे कि आपकी प्राइवेसी भी बनी रहेगी। और स्टेयरकेस भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ब्रॉड स्टेयरकेस है यहाँ पे। चेकिंग आउट 3 BHK ब्रांड न्यू फ्लैट्स फॉर सेल इन वेसु नियर डायमंड बुर्ज। ये इसका सैंपल फ्लैट है जो कि हम चेकआउट कर रहे हैं, 2152 स्क्वायर फीट। यहाँ पर इसका फॉयर एरिया, और फ्लैट में आगे बढ़ते ही राइट हैंड साइड पर आपको मिल जाता है फर्स्ट बेडरूम जो कि गेस्ट बेडरूम। यहाँ पर है ब्यूटीफुल लिविंग स्पेस। यहाँ पर है सेकेंड बेडरूम, दिस वन इज द मास्टर बेडरूम। यहाँ पर है कॉमन टॉयलेट, यहाँ पर है डाइनिंग एरिया, और उसके बैक साइड पर है ब्यूटीफुल डेक इस प्रोजेक्ट की, और लेफ्ट साइड पर है पूरा किचन एरिया, और राइट हैंड साइड पर है मंदिर एंड वन मोर मास्टर बेडरूम। आइए अपन वन बाय वन चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर है फर्स्ट बेडरूम, ये गेस्ट बेडरूम है, बहुत ही अच्छा रूम साइज दिया हुआ है यहाँ पे, और प्रॉपर विंडोज है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन एंड नेचुरल सनलाइट। यहाँ पर है स्पेस फॉर वार्डरोब्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपका टीवी सेटअप। सारे फ्लैट्स जो भी है यहाँ पे सब वास्तु कॉम्प्लायंट है। यहाँ पर हो गया आपका पूरा लिविंग स्पेस, दिस वन इज द सेकेंड बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम है, काफ़ी कंफर्टेबल रूम साइज है। बेड आने के बाद में भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वॉकिंग स्पेस मिल जाती है आपको। यहाँ पर है इसका अटैच टॉयलेट। बाथरूम का साइज भी काफ़ी अच्छा है, वॉशरूम के अंदर आपको स्पेस मिल जाएगी फॉर वॉक इन क्लोजेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका वॉक इन वार्डरोब आ जाएगा। अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा सकते हैं फॉर लेटेस्ट प्रॉपर्टी टूर्स एंड अपडेट्स। हियर इज द ब्यूटीफुल डाइनिंग स्पेस, 4 सीटर डाइनिंग यहाँ पे रखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर है कॉमन टॉयलेट,
वॉशरूम के अंदर आपको सभी फिटिंग्स जो है वो ब्रांडेड कंपनी की मिलेगी, और फ्लैट जो है आपको एम्प्टी कंडीशन में मिलेगा। ये एक सैम्पल फ्लैट आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको आइडिया मिले कि किस तरह से फर्निशिंग्स आने के बाद में कितनी स्पेस मिल रही है आपको। यहाँ पर आपका पूजा रूम, मंदिर के लिए स्पेस दी हुई है यहाँ पे। एक बेडरूम आपका यहाँ पर है, ये थर्ड एंड द फाइनल रूम है, अगेन ये मास्टर बेडरूम है। यहाँ पर अराउंड 2 फीट की स्टैंडिंग बालकनी मिल जाती है आपको, और यहाँ पर है स्पेस फॉर वार्डरोब और टीवी सेटअप है यहाँ पे। यहाँ पर है इसका अटैच टॉयलेट, इसका भी काफ़ी अच्छा साइज है। यहाँ पर भी अंदर आपको वॉक इन वार्डरोब मिल जाएगी। और ये 3 BHK प्रोजेक्ट बहुत ही प्रॉपर टिकट साइज में मिल जाता है यहाँ पे आपको। यहाँ पे सराउंडिंग में जितने भी 3 BHK के प्रोजेक्ट्स है जनरली 2500 स्क्वायर फीट 2600 स्क्वायर फीट में है। डाइनिंग एरिया के जस्ट बिहाइंड बहुत ही ब्यूटीफुल डेक मिल जाती है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है, और फ्रेंच विंडोज यहाँ पे दी हुई है, तो आपको बहुत ही अमेजिंग हवा मिलेगी जब भी आप डिनर करेंगे। और डेक का साइज आप देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग साइज है डेक का। यहाँ पर सेंटर पोर्शन में सारी एमिनिटीज आएगी, जैसे फ्रंट साइड पर आप देख सकते हैं पूरा ह्यूज गार्डन डेवलप होगा, उसके आगे टेंपल आएगा, और यहाँ पर सोसाइटी का बैंक्वेट हॉल आएगा, यहाँ पर स्विमिंग पूल आएगा, उसके अलावा सिटिंग एरिया और काफ़ी सारी एमिनिटीज़ है। हर टावर्स के नीचे आपको रोमन स्टाइल लाउंज मिलेगा, सिटिंग लाउंज। और ये अपार्टमेंट की खास बात यह है कि ये फ्लैट के अंदर कोई भी कॉलम नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, वो पॉसिबल है। और यहाँ पर है इसका ह्यूज एंड ब्यूटीफुल किचन एरिया, टोटली सेपरेटेड फ्रॉम लिविंग स्पेस, जिसकी वजह से आपकी प्राइवेसी भी बनी रहेगी। और पूरा एल शेप में आपको किचन प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पर है स्पेस फॉर रेफ्रिजरेटर, और दोनों साइड विंडोज़ है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन एंड नेचुरल सनलाइट। यहाँ पर है वॉश एरिया, सो आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर बेस्ट रेट्स डू कॉन्टेक्ट प्रॉपर्टी ढूंढो। यू कैन ऑल्सो फाइंड अस ऑन इंस्टाग्राम @ प्रॉपर्टी ढूंढो। हैप्पी इन्वेस्टमेंट टू ऑल।